Assalamualaikum viewers, this is me Umay Khan, UK from Pak. आपका मेरा रहेगा साथ with another quick and easy recipe of mine. So let's get started. In the name of Allah, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. सबसे पहले हम लोगों ने एक देगचा लिया है, उसके अंदर हम लोगों ने ऑयल ऐड किया है अबाउट क्वार्टर कप आप कह सकते हैं. उसमें हम लोगों ने बिल्कुल फाइनली चॉप्ड अनियन ऐड किए हैं और हाफ अनियन मैंने ऐड कर दिए हैं और हाफ अनियन मैंने रख लिए हैं जो कि बाद में ऐड करने हैं. अनियन आप लोगों ने लेने हैं ऑलमोस्ट 6 मीडियम अनियन मैंने लिए हैं जिनको मैंने बिल्कुल फाइनली चॉप कर लिया है. अब इनको हम लोग इतना कुक करेंगे कि इनका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए, लाइट पिंकिश कलर इनका हो जाएगा. इनको हम लोगों ने ब्राउन नहीं करना. एज यू कैन सी कि इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है. अब इस स्टेज पे हम लोगों ने जो इसमें नेक्स्ट चीज़ ऐड करनी है वो है कीमा. कीमा मैंने यहाँ पर लिया है हाफ के जी यानी कि आधा किलो. आप लोग कोई भी कीमा इसमें यूज़ कर सकते हैं. कीमा ऐड करके इसको हम लोगों ने मिक्स करना है. इसको मिक्स करने के बाद साथ ही हम लोगों ने इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करना है जो कि है हरी मिर्चें फाइनली चॉप. ये आप लोग अपने हिसाब से ले सकते हैं. अगर आप लोगों को ज़्यादा फ्लेवर पसंद है आप लोग ज़्यादा ऐड कर सकते हैं. मैंने यहाँ पर 6 to 8 ग्रीन चिलीज लिए, इनको फाइनली चॉप करके ऐड किया है. इसके बाद मैं इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ. ब्लैक पेपर भी आप लोग अपने हिसाब से इसकी क्वान्टिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं. मैंने 1 teaspoon ऐड किया था लेकिन मुझे कम लग रहा था तो मैंने बाद में इसमें 1 teaspoon और ऐड किया था. सॉल्ट इसमें मैंने 1/2 teaspoon लिया है. इसके बाद आप लोगों ने इसको 10 to 15 minutes कवर करके रख देना है दम पे. ये हल्के आंच पे पकता रहेगा. इसमें पानी ऐड नहीं करना है, अपने ही पानी से पकेगा. उसके बाद जो बाकी बचा हुआ प्याज था जो हम लोगों ने रख लिया था वो हमें ऐड करना है इसमें. इसको मिक्स करना है और मज़ीद 5 to 10 minutes के लिए हम लोगों ने कवर करके रख देना है जब तक कि जो कीमे का अपने पानी है वो खुश्क हो जाए. बहुत ही सिंपल और क्विक और बहुत ही मज़े की रेसिपी है. आप लोगों को जरूर पसंद आए कि डू ट्राई इट एट योर होम. अब यहाँ पर आप लोगों को मैं तरीका बता रही हूँ कि इसकी फोल्डिंग कैसे करनी है. ये मैंने पट्टी ली है समोसा पट्टी जिसके लिए मैंने ये फिलिंग रेडी किया भी आपके सामने.